हेलो फैमिली, आज हम लोग आए हैं ताड़ोबा के छावा रिसोर्ट में, जो कि कोलारा गेट के पास की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखते हैं अंदर प्रॉपर्टी कैसी है, यहाँ का मील कैसा है, राइट? सो फैमिली, बस हम लोग छावा रिसोर्ट में एंटर हो चुके हैं। हम लोग निकले थे नागपुर से 9 बजे, 9:10 सवानों जितना टाइम हुआ था, और अभी लगभग 11:30 का टाइम हुआ और हम लोग यहाँ पे टच हो गए छावा रिसोर्ट में। रिसोर्ट बहुत अच्छा है। और ये हमारी रेखा, तो अभी से बस इसने झूला देखा हेलो और झूलने भी लग गई है ना। यशु और ये हमारा रूम है। बस अब रूम में एंटर होके देख लेते हैं कैसा रूम। रूम तो अच्छा है, देखो 6-6 बेड यानी 6 लोग आए तो बहुत अच्छा है उसके लिए। और हमारे साथ में आज हमारी भाभी भी है, ये दूसरी बार आ रही है शिवाना रिसोर्ट में, दूसरी शादी में। यहाँ पे ना 2 वॉशरूम दिए हैं और ये सबसे अच्छा, यहाँ पे बेसिन कॉमन, और ये यहाँ पे कैटल दिया है गर्म पानी का। अब खाना दोपहर को देखेंगे, राइट? अपना लंच है यहाँ पे, तो खाना यहाँ का कैसा है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली मील रहता है, वो अगर अच्छा नहीं हो तो फिर सारा मज़ा खराब हो जाता है ना। चलते हैं बात। हाँ, और फैमिली ये है हमारे साथ यहाँ छावा रिसोर्ट के ओनर, इनका नाम है राही चितड़े, और ये आंटी के साथ भी हमको बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे आंटी। और आंटी एक्चुअली हमको बस यहाँ पर घुमाने वाले हैं, यहाँ की प्रॉपर्टी देखते हैं ना कैसी है। आंटी एक्चुअली यहाँ पर रूम कितने हैं? रूम वहाँ पर 6 रूम हैं और ये हम इसको फैमिली रूम बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ 6 बेड, हाँ 6 बेड है, वहाँ पर भी वैसे सेम। अच्छा, 2 लैट्रिन बाथरूम अटैच, हाँ, और हाँ, हाँ। 6 बेड्स। ओके, ऐसे तो हम इसको फैमिली रूम बोलते हैं, राइट राइट, क्योंकि ये आपका पर्सनल लॉन है। यहाँ पर आपको अगर चाहिए तो हम कैंप फायर जैसा लगा देते हैं, यहाँ पर खाना भी लगा देते हैं, ग्रुप अगर आया तो आपका, तो आपको उधर किसी से ये इंटरेक्शन बीच में नहीं होता, आप पर्सनल रह सकते। इसलिए हम इसका नाम हमने फैमिली रूम है, फैमिली रूम रखा है। और वो वाले रूम, वो रूम्स में जैसे डबल बेड है और अटैच लैट्रिन बाथरूम, ओके, कमोड वाले हैं, एसी है सब में। तो वो कितने रूम्स रहेंगे आप? वैसे 6, वो 6 है सब, 6 रूम्स है। ओके ओके ओके, चलो देखते आगे। हम लोगों ने यहाँ पर टीवी नहीं रखा हुआ। अच्छा, बेसिकली अच्छा। यहाँ आने के बाद में हमारी इच्छा ऐसे रहती कि आप जंगल घूम के आओ, वहाँ जो आप लोग देखते हो उसमें डिस्कस करो, आप अपना पर्सनल घर पे भी हम वो काम करते हैं, टीवी और वो सब तो रहता ही, तो यहाँ पर क्यों ना नेचर के बीच में रहे। हम लोग ऐसे ने हम लोगों का जो मोटिव ही ये था यहाँ आने के बाद में कि आप शहर में रहते हो तो ऐसे तो मिल के बैठना बात करना होता नहीं है, सही है, सही तो इसलिए आप लोग यहाँ आने के बाद में एक दूसरे से बात करो जो भी है एक दूसरे से शेयर करो, है ना। राइट। देने वाले ही ज्यादा लगाए हैं। अच्छा, आम है, चीकू है, जामुन है। अच्छा, हाँ, तो और ये सामने ही बेर का पेड़ है, ये वाला का पेड़ है। बेर के हमारे यहाँ काफी पेड़ है, 10-12 पेड़ है। अच्छा, तो छोटे बेर से लेके ये बड़ा जो आप मराठी में उसको पेवंदी बोर बोलते हैं, ओके ओके, वो है ये कलमी यानी, हाँ कलमी बेर, राइट। इसके बाजू में भी और है, देसी बेर है। अच्छा, बेर के 8-10 झाड़ है यहाँ पे, यानी बेर, चीकू, जाम, ओके, और आम, जामुन। क्या बात है, जामुन, वेरी गुड। मेरा वजन पकड़ लेगा ना? हाँ, मैं भी बैठती हूँ, अगर गिरे तो साथ में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ले चाची, भाभी को झूला दे। हाँ, तू झूला दे। भाभी ऐसे नहीं हो जाएगा ना। नहीं, ये कंफर्टेबल है, इसमें पूरे घुस गए ना, इसमें थोड़ा सा साइड में लग रहा था। मजा आया रेखा, बहुत कितने टाइम बाद ऐसे झूले में बैठे होंगे ना, बचपन के दिन याद आ रहे पूरे।
सही है। जबलपुर में याद है तुम लोग आते थे, हम लोग हमेशा जाते थे गार्डन में, झूलों में बैठते थे। भंवरताल हाँ, रेखा आंटी बोल रहे हैं कि यहाँ फेब्रुवरी में बेर लगेंगे, तो अपन है ना फेब्रुवरी में ट्रिप करेंगे, तो इधर बेर खाने के लिए स्पेशल, बेर के लिए स्पेशली आएंगे यहाँ पे। बेर मेरे ख्याल से जाम भी तब मिलेंगे यहाँ, और अभी नहीं, अभी जाम है आंटी बोल रहे, तो अभी खा सकते अपन तोड़ के। वाओ आंटी थैंक यू, चल भी हो जाएगी। आंटी कभी ऐसा होता है यहाँ पर टाइगर कभी अंदर आ गया और रिसोर्ट में? जब रिसोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू था तो ये जो पहले आपने बेर का पेड़ देखा है ना, वहाँ पर भालू रेगुलर बेर खाने के लिए आता था, क्योंकि भालू को बेर बहुत पसंद है। अच्छा, भगवान करे आज भी आ जाए। नहीं अभी नहीं आता वो, और इवन यहाँ से लेपर्ड तो क्रॉस होता ही था। अच्छा, ये जो आप अभी डाइनिंग देख रहे हैं ना, उसमें बाहर मैंने जब अंडर कंस्ट्रक्शन था तो चाय पीते बाहर खड़ी थी, तो मुझे पगमार्क दिखे, तो मैंने ये बच्चों को पूछा इन लोगों को कि अरे ये पगमार्क दिख रहे हैं, ओके, तो ये लेपर्ड के है क्या? तो ये बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैडम, बोले आप ऐसे चिंता मत करो, थोड़ी बड़ी बिल्ली है। अच्छा, तो यहाँ से पास हुई तो सीवेट रहती है, ओके, सीवेट इवन मेरे यहाँ छत पे रहती है। अच्छा, सीवेट यानी सीवेट कैट रहती है। अच्छा, रात को ही वो ज्यादा निकलती है, उसको भी बेर बहुत पसंद है। अच्छा, तो हम लोग जब बेर सुखाने के लिए छत पर डालते हैं, वो खाने के लिए वो आती है। अच्छा, तो हमारे यहाँ छत पे रात को उसके भागने की आवाज वगैरह आती है तो हम जैसे वैसे जंगल में ही रहते हैं, सांप हमारे पास रहते हैं, राइट राइट, दिखते हैं हमको, क्या नेचर है, नेचर है, दिखेगा दिखेगा। तो अभी वाइल्ड बोर भी कभी कभी पास हो जाता है हमारे खेत में भी रहता है। आपके खेत भी है यहाँ पे? हाँ, ये इसके पीछे खेत है। अच्छा, अभी वहाँ राइस है, पैड़ी। अच्छा, का करती हूँ, पैड़ी है, तुअर है, अब इसके आगे गेहूं चना सब, तो वो भी अपन देखने चलेंगे। हाँ, पक्का बिल्कुल। वो यहाँ पर पेंटर रुके थे। हाँ हाँ, तो रात को वो बाथरूम जाने के लिए उठा तो उनको यहाँ पर स्लॉथ बेयर देखा था। अच्छा, तो जो भाग के अंदर घुसे। हाँ हाँ, ये डाइनिंग एरिया है। हाँ हाँ हाँ, डाइनिंग एरिया जानबूझ के मिट्टी का रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हफ्ते में दो बार पूरा गोबर से उसको साफ। अच्छा, ओ वाओ, ये देखने में कितना, ये सही बात है। मतलब अभी तक मैं बहुत सारे रिसोर्ट में घूम चुकी, लेकिन मेरे को ये सब इतना नेचुरल सब नहीं मिला। ये जानबूझ के रखा है, रखा है, राइट राइट। एक तो जैसे मेंटेनेंस के लिए बोलते हैं ना, तो कुछ खाना गिर गया थोड़ा सा, हाँ, तो तुरंत इतना दिखता नहीं है। हाँ, लेकिन इसको साल हफ्ते में दो बार इसको पूरा करना ही पड़ता है। इवन बरसात के बाद इसको फिर से एक बार मिट्टी डाल के धुम्मस करके मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन ये यूनिक चीज है, यूनिक चीज है, सही है। ऐसे बाहर से पूरे रूम है। अच्छा, रूम, एक रूम आपको वो हॉल के अंदर से दिखा। हाँ, 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 तो जैसे यहाँ पर पहले सोनी के बहुत सारे कैंप्स हुए हमारे यहाँ। अच्छा, जब जंगल गेट शुरू हुआ था उस समय नया कैमरा लॉन्च होता था। अच्छा, तो यहाँ पर सारे फोटोग्राफर्स आते थे। ओके, उनका यहाँ पर लंच और सब लोग अरेंज करके। अच्छा अच्छा, यहाँ पर उनको फिर वो जो कैमरे नए लॉन्च होते थे वो फोटोग्राफर्स को देते थे। अच्छा, उनकी जंगल में राइड होती थी। ओके, और फिर वो जो भी उनका होता था तो यहाँ पर हम लोग उनको अरेंज करके देते। अच्छा अच्छा, ग्लास टाइप के कवेल हुए। ओके, तो वो एक में एक फंसाए हुए। हाँ 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 हाँ, बीच में पहले उसको लोहे का ये लगाते हैं और उसको फिर बाद में निकाल लेते हैं। ये अभी सिर्फ ऐसे ही ग्लास एक में फंसे हुए। अच्छा, यानी इसके ऊपर कोई प्लास्टर नहीं है, कुछ नहीं। हाँ 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 हाँ, अरे वाह, तो इसके कारण ये भी एक यूनिक देखने को मिला। इसके कारण ना टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हाँ 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 हाँ, 5 डिग्री टेम्परेचर का फर्क होता है। अच्छा, जैसे आप ठंड में आएंगे। हाँ हाँ, तो ये गर्म रहेगा। राइट राइट, बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर में 5 डिग्री का फर्क पड़ता है। और इवन गर्मियों में ये ठंडा रहेगा। ओके, यहाँ पर भी ये पूरी रूफ ऐसी है, है ना? हाँ, सारे यहाँ जो जितने 6 रूम हैं, हाँ, उनकी सबकी रूफ ऐसी है। और मतलब बाहर से अंदर एंटर करते हुए लिटरली ठंडा फील हो रहा है। हाँ। जबकि यहाँ कुछ एसी वगैरह ऑन नहीं है, लेकिन फिर भी ठंडा लग रहा है। अभी ये एक और हमारे यहाँ आपको सिर्फ मिलेगा। हाँ हाँ, ये एक ही डोर है। हाँ हाँ, आप यहाँ बंद करेंगे। हाँ हाँ, तो टॉयलेट और ये सेपरेट हो जाता है। अच्छा, बेसिन आपको यूज करना अलग मिलेगा। राइट राइट, ओ वाव, पहले मैं सोची एंटर हुई तो मैं कहा इतना सा बाथरूम, लेकिन ये सस्पेंस तो इधर है पूरा। मगरमच्छ
लकड़ी का मगरमच्छ, लेकिन एकदम रियल दिखता है। टेबल वगैरह बनने के बाद में बचा था ना, हाँ वो कारपेंटर ने बनाया। अच्छा, मगरमच्छ बना दिया। नहीं, इधर पीछे से वो वहाँ पर लीजा। और यहाँ से आंटी के खेत स्टार्ट होते आगे। ये पूरा जैसे आपने देखा, ये पूरा रिसोर्ट का एरिया है और बस यहाँ पे बिल्कुल सामने में यहाँ से खेत शुरू हो जाएंगे। नहीं, ये बारीक जैसे घास जैसा दिख रहा है। हाँ। ये एक्चुअल में प्याज के बीज है ये। हाँ, अच्छा, प्याज डली अभी हुई ये है ना? प्याज लगेंगे। हाँ, इसमें छोटे थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर इसको शिफ्ट करेंगे, रीप्लांट करना पड़ता है। अच्छा। ये आंबा हल्दी लगी हुई है, ये गवार फली लगी है और एकदम कॉली कॉली होगी ये वाली, है ना? तोड़ के खाओ एक। नहीं, खा नहीं सकते। खा ना, वो तो क्या, ये खा रही है, खा ही रही है, खा रही है। तोड़ो फिर पता चले, ऐसे खाओ। नहीं मतलब कैसी लगेगी, और नहीं पेस्टिसाइड नहीं मारा। हाँ, इसलिए बेस्ट है ये, इसलिए खा सकते हैं। नहीं तो बाहर पूरी ऑर्गेनिक खेती है। बताओ ये इतने इसमें हम कब से करेला ढूंढ रहे थे, उर्वी भाभी को मिल गया। हाँ देखो अभी, उर्वी थोड़ा सा तोड़ के खा के बताइए। हाँ, थोड़ा खा के बताइए आप कैसा लग रहा है। मीठा है तो बोलेगी। नहीं, यहाँ के करेले की कुछ और बात हो सकती है, जैसे गवार मीठी लगी वैसे करेला भी मीठा लग सकता है। पर बहुत सारे आम हल्दी के, बहुत सारे हैं। सारे गुजरातियों को ये कर दो कि अंबा हल्दी चाहिए हो तो बॉम्बे पुणे ना भागे, यहाँ मिल जाती है। और यहाँ पूरी ऑर्गेनिक खेती के साथ में। अच्छा, हल्दी में फूल आता है? हल्दी में फूल आता है। ये फूल अभी ये सूख गया करके, इसका कलर बहुत खूबसूरत रहता है ऐसा। अच्छा। और ये हल्दी में फूल आया, इसका मतलब ऐसा है कि ये जो हल्दी है, इसकी जो गांठ है वो अगली बार हल्दी, अच्छी हल्दी तैयार करने के लिए तैयार है, मैच्योर हो गई है। यानी हल्दी में फूल आया यानी हल्दी खराब हो गई ऐसा नहीं है, नहीं है। वो हल्दी मैच्योर हो गई ऐसा होता है। ओके। और ये हल्दी का फूल जो मुझे इसका एक्चुअल मालूम नहीं, इसका मेडिसिनल यूज है जॉन्डिस में या लीवर की बीमारियों में। अच्छा। जो वैद्य लोग रहते हैं उसका कुछ दवाई बनाते। ओके। हाँ, ये है ना आंटी, ये सब क्या रहे अपने, मेथी पालक है ना? अब ये छोटा छोटा है सब। और उधर आपने प्याज वगैरह उधर वो टमाटर के अभी लगाए हुए थे, थोड़े बड़े हो गए, कुछ छोटे है। अंबाड़ी, इसकी चटनी बनती है ना आंटी? चटनी बनती है, ये खाओ, एक नंबर है। इसकी चटनी बनती है, इसकी जेली बनती है। अच्छा। हाँ, हमने तो कभी नहीं देखा। इसकी जेली भी बनती है, बहुत अच्छा। ओह माय गॉड, बहुत टेस्टी है। सब्जी बनती है खट्टी, मजा आ रहा पर खाने में एकदम। इसका पेड़ बड़ा होता होगा ना आंटी? नहीं बस ये हो गया ऐसा ही। अच्छा, ऐसे ही अपने घर पे भी लगा है? एक तोड़ना अपने घर पे भी लगाया, तेरे को खाना चाहिए तो घर पे खा। ये ना रेखो, तूने करौंदे खाए कभी? करौंदे उसके जैसा लग रहा है। इतनी चरेती तो गमले में लगा सकते। हाँ, ये अभी ये पक जाएगा ना, इसके अंदर का नहीं खाते ना जगह से। ये भिंडी लगी देखा? ये देखो, ये सूखी हुई भिंडी है, ये रही भिंडी लगी है। ये देखो, ये इसमें से बीज निकले, बीज निकलेगी वो आप फिर से लगाते हो। और ये रही हरी हरी भिंडी। हाँ, ये अब सबके मुंह लग गया है। बहुत ही अच्छी है। मजा आ रही है ना खाने में, कच्चा कच्चा। बहुत ही अच्छा। रेखा, बगीचे में अपन घूम घूम के पेट भर लेंगे आंटी के यहाँ। खाना अब नहीं जाएगा। हाँ, यहाँ से सब ऑर्गेनिक चीजें ही खाएंगे और बढ़िया बराबर नेचुरल सब। ये देख, ये भिंडी का फूल, ये भी सुंदर है। जब पूरे थे तो इतना सुंदर दिखते थे ना, पूरे में लगे हुए, प्यारे लगते। वही वही मेरे को तो ये अंबाड़ी बहुत पसंद आई है। ये दिखने में भी सुंदर है और खाने में भी मजेदार है एकदम। ये टमाटर का पौधा लगा है। अच्छा, ये पूरा बैंगन है? ये बैंगन है। ओ आंटी, इसमें जाम लगा है, मस्त है। छोटे वाले इसीलिए बोले ना, देख के इधर से प्याज के इस पे मत जाना। हाँ, हो रहा है। सब एक एक बाइट। हाँ, सब एक एक बाइट खाओ। एक बाइट, चलो बहुत तोड़े। एक बाइट तू तोड़।
मैं आई हूँ ना तब से जाम ढूंढ रही थी, फाइनली मिला। ये आंटी पिंक जाम होगा, पिंक वाला जाम है, हमने तोड़ी दे। कैसा है? वाओ, इतना मीठा है रेखु, दे तो ले बाइट मार, है ना मस्त है ना, एक नंबर एक नंबर, वही वही मस्त वाला औजार दिया है अभी इससे। हाँ। खचिक खचिक, क्या बोला तूने, सारे जाम तोड़ डालेंगे। हाँ, चलो आंटी बोलेंगी हो गया, फिर मेरे घर के जाम गए पूरे। आंटी बोलेंगी बंदर आए हैं मेरे रिसोर्ट में। ये आंटी चावल का खेत, आंटी ये चावल है, चावल है। Okay. खाली आती हूँ ना थी, वो भी है। अच्छा, अभी जनवरी में आता है ना, बाजू से लग के दूसरा हम लोग चला, ये सब वो बाई लोग कर लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं, जैसे लोग जो आते हैं उनके लिए ये छोड़ देते हैं, क्योंकि उतना कीचड़ में जाके करना होता नहीं, कीचड़ रहता है ना, पता है वैसे, तो फिर वो लगाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ आके आप कीचड़ में खेलो, लगाओ पेड़ लगाओ, उसके बाद में वो ढोलक वाले को बुलाते हैं। यानी वो आंटी आप जो बोल रहे थे फेस्टिवल, जिस दिन रोपते हैं उस दिन आप सबको, यानी जिसको आना हो उसको छूट रहती है। और कुछ चार्जेस रहते हैं ना पूरे दिन के, पूरे दिन का एक रहता है। अरे वाह, तो जानबूझ के रखते हैं क्योंकि नए बच्चों को समझना चाहिए। बराबर है, जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है। सही बात है, पैसा दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो मेहनत है। सही बात, तो जो इतनी मेहनत करते हैं कीचड़ में रह के, वो धान लगाते हैं, हाँ। तो एक दिन काम करते घंटा दो घंटा, तो लोग थक जाते हैं, थक जाते हैं। बराबर है, तो वो प्रोसेस पूरे देखने में ज्यादा मजा आती है। वो एक जगह पहले पूरा धान के बीज डाल देते हैं, वहाँ पर वो क्रॉप आते हैं। अच्छा। फिर वो क्रॉप को शिफ्टिंग करते हैं पूरे खेत में, खेत में, और फिर उसको रीप्लांट करते हैं। रीप्लांट, राइट राइट। ये तुअर के हैं। अच्छा, वो जो बड़े बड़े लगे हैं, फूल लगे हैं, शुरू हुए हैं। ये पूरी तुअर है, पूरी बाउंड्री तुअर के, पूरे जितने खेत है मेरे उस पे सब पे बाउंड्री में तुअर लगी है। ओके, थैंक यू आंटी, अब बहुत मजा आया। मतलब बाकी सब रिसोर्ट में तो खाली सब ऐसा ही रहता, लेकिन यहाँ लगाना है। फैमिली खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, यानी बाहर का खाना हम लोग कैसे कोई भी रिसोर्ट में खाए तो थोड़ा सा खाना खाने के बाद ऐसा लगता है अब नहीं खाना, लेकिन यहाँ आज हम लोगों ने एकदम पेट भर के खाना खाया, एकदम घर के जैसे खाने का टेस्ट जो था ना, वो फीलिंग यहाँ पे मिली। सो टेस्ट एकदम बढ़िया। दो दो चटनी भजिया। अभी ठंडा हो गया है, बस हम यहाँ पे कुर्सी में आजू बाजू हो जाएंगे विराजमान। सो फैमिली, बस अब हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मजा आया कि नहीं? बहुत बहुत मजा आया, बहुत है ना, इंजॉय किया हम लोगों ने। और फ्रेंड के साथ आओ तो इंजॉय करते ही है। और प्रॉपर्टी एक्चुअली अगर बोलूँ तो बहुत हाई फाई प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ की, लेकिन एक अपन बोलते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पर अपने को एक मीडियम रेंज में चार्ज में अगर यहाँ पे आके रेस्ट करना है, खाली फैमिली के साथ इंजॉय करना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। और मील तो यहाँ का एक नंबर, सही में है ना, सही में घर जैसा फील होता है यहाँ पे। नहीं तो बाहर कैसा बहुत ज़्यादा मसालेदार हो तो हम एक टाइम खा के दूसरा टाइम वैसा ही मील लेना हो तो ऊब जाते, लेकिन यहाँ का मील अच्छा था, घर के जैसी फीलिंग आई, कंफर्टेबल भी है, सब कुछ है। तो वीडियो यहीं पूरा करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।